हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका स्किप लिस्ट का कांसेप्ट और समझेंगे कि यार कि ये स्किप लिस्ट आया क्यों, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, इन सबको हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो यार स्किप लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले हमने अब तक क्या देखा कि अगर आपका कोई एरे अनसॉर्टेड होगा, मतलब रैंडमली यार उसमें एलिमेंट्स अरेंज होंगे, तो उस एरे में किसी एलिमेंट को सर्च करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है वो लगती है बिग ओ ऑफ एन, क्योंकि हम वहाँ पर क्या लगाते हैं आपकी लीनियर सर्च। अगर आपका वही एरे शॉर्टेड हुआ तो आपकी ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है यार, लॉग एन, क्योंकि हम वहाँ पर क्या लगाते हैं आपकी बाइनरी सर्च। ठीक है, अगर आपका कोई बाइनरी सर्च ट्री है और वो स्क्यूड है, मैंने ये आपको डेटा सेक्शन बताया था, अगर आपका कोई बाइनरी सर्च ट्री स्क्यूड है तो वहाँ पर आपकी सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी लगती है बिग ओ ऑफ एन। बट अगर वही बाइनरी सर्च ट्री को मैं बैलेंस कर दूँ, मतलब वो आपका अगर ए रेड ट्री है, रेड ब्लैक ट्री है, तो यार वहाँ पर सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी लगती है लॉग एन। बट यार लिंक्ड लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर मुझे हर केस में हमेशा लीनियर सर्च लगानी पड़ती है, मैं वहाँ पर आपकी बाइनरी सर्च लगा सकता। क्यों? बाइनरी सर्च में यार दो जनरेशन लगा सकता, क्योंकि बाइनरी सर्च में क्या था, बाइनरी सर्च में मैं बेसिकली हर बार एक पर्टिकुलर मिडल की इंडेक्स फाइंड कर रहा हूँ। तो आपको पता है लिंक्ड लिस्ट में तो इंडेक्स ऐसा कोई फंडा होता ही, तो इसलिए मैं आपकी लिंक्ड लिस्ट पे बाइनरी सर्च नहीं करा सकता। उसके साथ साथ लिंक्ड लिस्ट में ऐसा भी कोई कंसेप्ट नहीं होता कि आप किसी एक नोड पर खड़े होकर वहाँ से बैक ट्रैक कर पाओ, हमेशा आप उस नोड से आगे जा सकते हो बट कभी उससे पीछे नहीं जा सकते। ठीक है, तो लिंक्ड लिस्ट के साथ एक ऐसी दिक्कत थी कि लिंक्ड लिस्ट में चाहे डेटा आपका रैंडमली अरेंज हो चाहे फिर ऑर्डर में अरेंज हो, हमेशा आप उस पर लीनियर सर्च इंप्लीमेंट करोगे और लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन। ठीक है, तो यार बेसिकली स्किप लिस्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जो मैं आपकी शॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट अप्लाई करता हूँ जिससे कि आपकी सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी एन से कम होती है। तो देखते हैं यार कैसे हम बेसिकली स्किप लिस्ट का कंसेप्ट यूज करते हैं। पहले मैं एक इंग्लिश में लिखता हूँ जिससे कि आपको सभी से चीज़ों को समझा पाऊँ। लेफ्ट वाला भी इंग्लिश है, इसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90 ये आपकी इंग्लिश है जिसमें आपका डेटा एक शॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, अब इसके लिस्ट ने क्या बोला कि अगर मैं इस लिस्ट में आपकी सर्चिंग लगा रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, आपकी जो एन सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है लीनियर सर्च में क्यों आ रही है, क्योंकि मुझे इस लिंक्ड लिस्ट में हर नोड को ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। आपको पता है इस लिंक्ड लिस्ट में डेटा आपका शॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज है, उसके बावजूद भी आपको एक एक एलिमेंट को सर्च करना पड़ रहा था, इस वजह से आपकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर एन आई थी। अब उसने क्या बोला कि अपनी गिवन लिंक्ड लिस्ट को, अगर आपकी लिंक्ड लिस्ट का साइज एन है तो उसको इक्वली डिवाइड कर दो अलग अलग पार्ट्स में। राइट, देखो यहाँ पर आपके नौ नोड्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तीन तीन के तीन ग्रुप बना देता हूँ, मतलब एक ग्रुप आपका कुछ यहाँ तक बन जाएगा, एक ग्रुप आपका ये बनेगा एंड एक ग्रुप आपका यार ये बनेगा, इसका लिंक इसके पास है, इसका लिंक इसके पास एंड एक ये स्टार्टिंग नोड आपकी है। यहाँ पर आपका 10 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है एंड यहाँ पे आपका 90। ठीक है, तो यार ये बेसिकली एक मैंने इसके ऊपर ही एक लिंक लिस्ट बना दी जिसमें मैंने क्या करा, ओरिजिनल लिंक लिस्ट को मैंने इक्वली में डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट में। अब इसको कैसे समझे यार, इसको मानो आप अपनी एक नॉर्मल ट्रेन, नॉर्मल ट्रेन क्या होती है, नॉर्मल ट्रेन वो ट्रेन जो कि आपके हर स्टेशन पर रुक रुक पे जाएगी, मतलब पहले 10 पे रुकेगी, फिर 20 पे भी, फिर 30 पे भी, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90 इन सब पर। बट मैंने इसके ऊपर एक ट्रेन और बना दी जिसका नाम दिया मैंने आपका एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन वो ट्रेन है जो नॉर्मल ट्रेन जिन जिन स्टेशन पर रुक रही है, सारे स्टेशन पर, उन सब पर रुकती थी, कुछ स्पेसिफिक स्टेशन है, मतलब कुछ पॉपुलर स्टेशन है जिन पर रुकती है, तो बेसिकली एक्सप्रेस ट्रेन तीन दिन पर रुकेगी, 10 पर, देन 30 पर, देन 60 पर, देन 90 पर। ठीक है, अब देखो है क्या, लेट सपोज मैं मुझे इस लिंक लिस्ट में सर्च करना है 50 कि आपका 50 प्रेजेंट है या फिर नहीं है, तो मैं कैसे करता हूँ, अगर मैं इस नॉर्मल ट्रेन में डायरेक्ट सर्चिंग लगा रहा हूँ तो मुझे एक एक करके सर्च लगाना पड़ रहा है,
बट जब मैं इस वाली में सचिन होगा तो कैसे जाऊंगा, मैं 10 पर हूँ अभी, मैं चेक करूंगा क्या जो 10 का जो अगली मोड है उसका डेटा क्या 50 है। भाई देखो अगर लेट सपोज मैं इस मोड को मान लेता हूँ कि 10, अगर 10 का नेक्स्ट का डेटा इक्वल टू सर्च एलिमेंट इक्वल हो या तो या और टेम्प का नेक्स्ट का डेटा अगर आपका बड़ा है सर्चिंग एलिमेंट से तो आप अपनी एक्सप्रेस ट्रेन को छोड़कर आप अपनी नॉर्मल ट्रेन पर आ जाओगे। मतलब क्या है देखो, आप अभी 10 पर थे, आपने पहले चेक करा था 10 50 के इक्वल है, नहीं मैंने चेक करा था 10 पर नेक्स्ट का डेटा, मतलब 10 का नेक्स्ट का डेटा 30 50 से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, तो मैं अपने पॉइंटर को यहां से यहां पर ले आऊंगा। ठीक है, अब मैं जब यहां पर खड़ा तो मैंने इससे अगली नोड का डेटा देखा क्या वो आपके सर्चिंग एलिमेंट्स का इक्वल है या फिर उससे बड़ा है। भाई देखो जब मैं यहाँ पर खड़ा था तो मैं चेक करा इससे जो अगली नोड है उसका डेटा 60 है और हमें सर्च करना था 50, मतलब जो अगली नोड है वो उससे बड़ी है। इसका मतलब अगर मैं यहीं पे ही इस नॉर्मल ट्रेन पर आ जाऊं तो मैं इस नोड से इस नोड के बीच में अगर मैं लीनियर सर्च अप्लाई करूं तो मुझे कहीं ना कहीं ये एलिमेंट मिल जाएगा, अगर होगा तो, अगर नहीं होगा, अगर इसके बीच में एलिमेंट प्रेजेंट होता ही नहीं तो इसका मतलब पूरी पूरी लीनियर से वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। समझे भाई, जब मैं किसी नोड पर खड़ा हूं मैं चेक करूंगा क्या उस नोड से अगली नोड का डेटा मेरे सर्चिंग एलिमेंट से बड़ा है, अगर बड़ा है तो मैं तुरंत उस नोड से नीचे जाऊंगा अपनी नॉर्मल ट्रेन में, एंड जब मैं नॉर्मल ट्रेन में अपनी वहां से लेकर जो मेरी अगली नोड से 60 उसके बीच में लीनियर से अप्लाई करूंगा, अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो वो उसके बीच में आपको मिल जाएगा और अगर नहीं मिलता तो मतलब वो पूरी पूरी लीनियर एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट स्किप लिस्ट का। वैसे यार ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि लीनियर मतलब एक इंग्लिश में सचिन पोटेंशियल कम करने का तरीका है स्किप लिस्ट, तो इसलिए मैंने साथ साथ बता दिया कि अगर बाई चांस आपको कभी इन केस इंग्लिश में सचिन पोटेंशियल कम करने का कैसे करेंगे। अब बात आती है इसकी टाइम क्योंकि मैंने जब एक नॉर्मल ट्रेन से आपकी एक्सप्रेस ट्रेन बनाई तो मैंने अपनी n नंबर ऑफ नोड्स को रूट n पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर रूट मतलब हर पार्ट में आपकी रूट n नंबर ऑफ नोड्स ही है। ठीक है, तो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं इस स्किप लिस्ट एल्गोरिथम की तो क्या हो गई, बिकॉज रूट n बाई आपको सर्च तो करना पड़ रहा है ऊपर वाली पर, भाई एक्सप्रेस ट्रेन में कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं रूट एन, तो आपको देखा जाए तो एक्सप्रेस ट्रेन में तो सर्च करना पड़ रहा है रूट एन, और अगर इन केस किसी एलिमेंट या फिर किसी पोजीशन पर जाकर मुझे एक्सप्रेस ट्रेन से नॉर्मल ट्रेन में आना पड़ भी रहा है तो उस नॉर्मल ट्रेन के मैं सिर्फ एक सब पार्ट को देख रहा हूँ, एक सब पार्ट पर लीनियर सर्च कर रहा हूँ और उस एक सब पार्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं रूट एन, तो रूट एन प्लस रूट एन क्या होगा फिर से 2 रूट एन, तो मैं इसको इसको एसिम्प्टोटिकली बिगो ऑफ रूट एन। ठीक, तो हमने देखा कैसे आपकी अगर एक इंग्लिश शॉर्टेड है तो एन से कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आपकी रूट एन हुई जब हमने इसकी लिस्ट को यूज कर। अब बात आती है कि क्या मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रूट एन से कम कर सकता हूँ, बिल्कुल भाई देखो जितनी हम लेयर्स डाले जाएंगे मोर लेयर्स आर प्रेजेंट मोर कॉम्प्लेक्सिटी विल डिक्रीज,
अभी देखा है तो मैंने सिर्फ एक ही लेयर बनाई भाई, एक नॉर्मल ट्रेंड थी वो तो आपकी गिवन इंग्लिश थी, उसके ऊपर मैंने एक्सप्रेस ट्रेंड बनाई जिसको मैंने एक लेयर बना, आप उसके ऊपर एक और लेयर बना सकते हो। तो जितनी आप लेयर बनाते जाओगे उस तरह आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती जाएगी। तो अगर मैं एक जनरल केस की बात करूँ जो एक मतलब एक प्रॉपर केस है इसका स्किप लिस्ट का, तो यार स्किप लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट सर्च एंड डिलीट करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आपकी लॉग एन पी होती है। ठीक है, तो मतलब हमने देख लिया कि अगर मैं अपनी लेयर बदल जाऊंगा तो मैं आपकी लिंक लिस्ट में भी किसी एलिमेंट को सर्च कर सकता हूँ लॉग एन टाइम में। ठीक, तो ये कंसेप्ट था जिस तरह हम अपनी एक लिंक लिस्ट की सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी को एन से कम कर सकते हैं रूट एन, या फिर आप कह सकते हो लॉग एन का। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट आपका सिंपल स्क्रिप्ट लिस्ट का। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, इतना हम सबको ध्यान समझिए, नेक्स्ट चैप्टर से आपके यहाँ डिफरेंट शोरिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।